everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, दैट इज़ योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे पहले हमने जो क्लासेस किया है रीजनिंग में ही, उसमें हमने एनालॉजी कंप्लीट किया है जिसमें हमने 250 क्वेश्चन तक किए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन किया है जिसमें हमने 150 से 200 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद हमने सीरीज कॉम्पिटिशन किया है जिसमें हमने 100 से 150 क्वेश्चन किए हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो सीडी, दैट इज़ योर कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अभी 41 क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज ये क्लास नंबर आपका 72 है। इससे पहले ऑलरेडी हम 71 क्लासेस कर चुके हैं। फर्स्ट गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस, एंड अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियोस को शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है, या आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ नॉलेजेबल आया, कुछ काम आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। मूविंग ऑन, आज जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 41। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमें कोड को डिकोड करना पड़ता है या डिकोडेड कोड को कोड करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज GRASP ग्राफ्स, इसको कोड किया गया है BMVNK से, एंड द थिंग BMVK उसको क्रेन की तरह दिया हुआ है आपको। विद दैट कोड यू हैव टू कोड इट, द थर्ड कोड दिस इज हियर। देन द ऑप्शन ए इज HWFSJ, बी इज FUDQH, सी इज GVERI, एंड डी इज XMVIZ। सो हियर विद दिस कोडिंग यू कैन सी दैट अगर हम जी की बात करें तो जी में हम जस्ट माइनस गए। जी में जैसे ही हम माइनस जाते हैं तो आप देखो क्या होगा, जी में हमने कोडिंग की, आर के बाद हम फिर माइनस में गए हैं, ए के बाद हमने फिर वी किया है। इट मीन्स हम बी में प्लस कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बी है तो बी के बाद हम कितना गए, दैट इज़ CDEFG, दैट मीन्स प्लस माइनस फाइव यहाँ होगा, तभी हमें ये कोडिंग मिल रही है। आफ्टर दैट एम की बात करते हैं, एम है तो NOPQR, दैट मीन्स माइनस फाइव। वी की बात करते हैं तो वी के अगर हम कंटिन्यूस आगे जाते हैं तो वी है WXYZA, एंड देन या ए, दैट इज माइनस फाइव। नेक्स्ट मूविंग ऑन विद एन, एन के बाद आगे जाते हैं तो दैट फाइव अगर हम लोग यू नो इससे माइनस करते हैं, एन है तो OPQRS, एंड अगर पी है तो KVAB माइनस। तो मतलब हम अगर जी में माइनस फाइव करें हमें बी मिलता है, आर में माइनस फाइव करें हमें एम मिलता है, एंड ए में माइनस फाइव करेंगे एन मिलेगा, एंड पी में माइनस फाइव करेंगे हमें के मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हमें कोई नंबर मिला होता और हमें यहाँ की कोडिंग करनी होती, लाइक थर्ड नंबर मिला होता है एंड फोर्थ कोडिंग करनी होती, तो हम ऐसे ही सेम पैटर्न को अप्लाई करते जैसा कि अब तक के क्वेश्चन में कर चुके हैं। बट यहाँ पर थर्ड वाला आपको फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यू हैव टू प्लस इन दैट, आपको प्लस फाइव इसमें करना पड़ेगा, प्लस फाइव इसमें, प्लस फाइव इसमें, प्लस फाइव इसमें, एंड प्लस फाइव इसमें। तो आपको क्रेन का एक कोडिंग निकालना है, दैट इज प्लस फाइव। सी में अगर हम प्लस फाइव करेंगे दैट मीन्स DEFGH, तो पहला लेटर जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो H मिलेगा। नेक्स्ट R है, R में प्लस फाइव करेंगे दैट मीन्स R है तो STUVW, दैट मीन्स द नेक्स्ट वर्ड इज W। उसके बाद A है तो A देखेंगे, A में हम अगर मूव ऑन करेंगे, A है तो BCDEF, दैट मीन्स हमें नेक्स्ट टर्म F मिलेगा, फिफ्थ टर्म। एंड देन एन है तो एन है OPQRS, दैट मीन्स S वी आर गेटिंग। एंड ई में अगर हम प्लस फाइव करेंगे दैट मीन्स ई है तो FGHIJ मिलेगा। इसका मतलब हमको जो मिलेगा HWFSJ मिलेगा। तो हम देख लेते हैं अपने फॉर्म उसमें ऑप्शंस में, सो वी गेटिंग द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, और सब बाकी जितने भी हैं सब आपके रॉन्ग हुए। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 42। COVET कोविड को हमें इन्होंने कोट किया FRIHW में, एंड सेम फॉर द सेम थिंग यहाँ पे SHDU दिया हुआ है। थर्ड जो कोडिंग है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, द थर्ड वन इसको फर्स्ट कहते हैं, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ अकॉर्डिंगली होता है। ओके, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। द ऑप्शन ए इज QUAKE क्वेक, PEARL पोल, सी इज REPAY प्रीपे, एंड देन STING स्टिंक। तो उसके बाद हमारी कोडिंग देखो, सी है तो सी में हम एफ गए, इट मीन्स अगर हम सी में एफ जाते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड समथिंग। तो ओ के सी है तो DE, एंड देन वी गेटिंग द एफ वन, सो हियर वी आर प्लसिंग थ्री। तो उसके बाद हम आते हैं ओ पे, तो ओ है PQR, देन वी आर एडिंग द प्लस थ्री। वी में है, वी है तो WX, एंड देन Y प्लस थ्री। ई है DEF,
जी एच इट मीन्स प्लस फाइव, टी है तो टी है एस पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू इट मीन्स प्लस थ्री। एक बार इसका ई चेक कर लेते हैं, ई प्लस फाइव ई है, ई है तो डी ई है, देन एफ देन जी एंड देन एच, या प्लस थ्री ओनली, काउंटिंग में थोड़ा हो गया, प्लस थ्री की सारी कोडिंग है। ओके अब ये इस प्लस थ्री में हमने किया तो हमें ये मिल गया। अब अगर इसमें हम माइनस थ्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो माइनस मिला था हमने प्लस किया था, जस्ट अपोजिट यहाँ पे। हियर यू कैन सी दैट माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री कोड करेंगे, दैट मीन्स एस से अगर हम माइनस थ्री जाएंगे एंड दैट व्हाट वी गेट इज एस ए पी पी क्यू आर एस, देन वी आर गेटिंग द पी वन, एंड फॉर एच के लिए हमें ई मिलेगा, पी हियर वी गेटिंग अ पी एंड देन वी गेटिंग फॉर ई एंड दैट वी गेटिंग ए, ओके देन वी गेटिंग ई ए एंड देन वी गेटिंग आर एंड देन एल, सो वॉट वी गेट पर्ल फॉर द कोडिंग एस एच डी यू ओ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, सो द पर्ल वॉट वेक इज नॉट द आंसर, पर्ल इज द आंसर एंड रिपे इज ऑल्सो नॉट द आंसर एंड द सिंक इज ऑल्सो नॉट द आंसर। मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 43 दैट वी हैव इज दैट ट्री आर आई ए एन जी ए एल ई दैट इज ट्राइंगल एस क्यू एच जेड एम एफ के डी, ये कोड किया गया है एस ए डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी को आपको डिकोड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, टी है पी क्यू आर एस एस एंड देन टी, तो इट मीन्स माइनस वन, क्यू आर माइनस वन, एच आई माइनस वन, जेड ए माइनस वन, नहीं जेड ए दैट इज प्लस वन, सॉरी एस टी पी क्यू आर दैट इज माइनस वन, देन एच आई दैट इज माइनस वन, ओके इसमें माइनस वन करेंगे, जेड है फिर ये ए है, ओके ए में माइनस, यस ए में माइनस वन करेंगे तब हमें जेड मिलेगा, से एन में माइनस वन करेंगे यहाँ पे एम मिलेगा, एंड देन जी में माइनस करेंगे तो एम एफ मिलेगा, देन एल में माइनस करेंगे के मिलेगा, एंड देन वी गेटिंग माइनस वन देन वी गेटिंग द डी। सो इसके हिसाब से अगर हम इसकी कोडिंग के हिसाब से करें तो हमें यहाँ पे सब में प्लस वन करना है, बिकॉज वहाँ पे माइनस है प्लस वन है तो प्लस वन करना है, सो वी गेटिंग द नेक्स्ट नंबर, सो हियर वी गेटिंग डी के बाद हम जो प्लस वन कहेंगे हमें मिलेगा ई मिलेगा, एंड देन फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू है तो हमें एक्स मिलेगा, देन डब्ल्यू के बाद जेड के बाद ए आता है, एंड देन एल के बाद एम आता है, ओ के बाद एम आता है, ओके सॉरी ओ के बाद पी आता है, सॉरी दैट इज पी, एंड देन के बाद जे के एल आता है, एंड देन डी के बाद यहाँ पे ई आता है, ओके सो व्हाट वी गेट एस एक्स, ओके एक्स एक्स ए एम पी एल ई दैट इज एग्जाम्पल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, डी आई एस जी ओ आई एन ई डिसजॉइंट ये तो नहीं होगा, एफ आई जी एम ई एन टी फिगमेंट ये भी नहीं होने वाला, ई एक्स ए एम पी एल ई एग्जाम्पल ओके ये मिल रहा है, डी आई एस एम आई एस ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स द एग्जाम्पल इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 44, ई एल सी एस यू एम एंड दैट इज गॉन टू बी एम यू एस सी एल ई मसल। अब यहाँ पे लैटिस लैटी पैक जो है उसका हमें डिकोड करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर यू कैन सी दैट इन दैट केस अगर हम इस एम की बात करें, एम जो फर्स्ट था वो लास्ट चला गया, तो इट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट है वो हमारा फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है सॉरी जो फर्स्ट है लास्ट, इट मीन्स ये जो सी है यहाँ पे मेरा पहला अल्फाबेट सी होने वाला है बिकॉज लास्ट इज द फर्स्ट। अब हम आते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यू जो कि सेकेंड लेटर है, यू सेकेंड जो लेटर है वो हमारा सेकेंड लास्ट पहुंच गया, एंड दैट मीन्स सेकेंड लास्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड लास्ट से हमारे यू यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है एंड यहाँ पे है, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो ऑलरेडी हमने यू निकाला हुआ है। तो देखते हैं, चलो अभी एल से हम सी पे गए, ए के लिए हम सॉरी ए है, ए है तो ए ही जाएगा, दैट्स एल है तो एल ही जाएगा, फिर इसके बाद हमारा आएगा नेट पी एंड देन आई एंड देन टी एंड देन एल। तो हमारा जो लेटी पैक के लिए इसके हिसाब से हमारा जो आएगा लेटी पैक ये ए आएगा, तो हमारा जो होगा वो कैपिटल एक तरह का हमारा वन बनता है, दैट इज कैप्रोफाई कैप्राइस ये भी नहीं होगा, कंड्यूज भी नहीं होगा एंड कन्फेस भी नहीं होगा, कैप्टन जो है कैपिटल जो है वो हमारा आंसर होगा। वैस अकॉर्डिंग मसल्स को इन्होंने रिजम्बल किया है, रीअरेंज करके मसल्स रिकॉर्ड किया, ऐसे ही लैटी पैक जो है उसको हमने जब रीअरेंज किया है देन वी गेटिंग वॉट दैट एज कैपिटल। ओके सो एज अकॉर्डिंग वी हैड डन दिस। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 45, आई टी एन आई ई टी ए एम एंड देन आई एन टी आई एम ए ए टी ई, इंटीमेट को इन्होंने यू नो रीअरेंज किया है इस तरह से, तो हम देखेंगे टी आर ई
UOVNITARVI वेंट्रेम को हमने किस तरह से करना है देखते हैं। आई की बात करते हैं तो ये आई इटसेल्फ यहाँ पे है, एंड उसके बाद अगर हम इसके आई की बात करें, एक दो तीन एंड देन चार, एक दो तीन एंड चार, चार पे पोजिशन पे ये, तो इट मीन्स जो टी होगा ये तो ये यही होने वाला है। ओके मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव एज योर नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज टी। आप टी की बात करते हैं तो हमको जो नेक्स्ट टी है वो हमारा कहाँ जा रहा है, देखो टी एक यहाँ पे है जो कि आपके थर्ड पोजिशन पे है, एन ए के लास्ट थर्ड सेकेंड पोजिशन पे है। सो इन अकॉर्डिंग्स ऑफ दैट अगर हम देखते हैं तो जो हमारा आर है वो भी हमारा या तो थर्ड पोजिशन पे होगा, ओके यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे होगा या लास्ट सेकेंड पोजिशन पे होगा। देखते हैं आर हमारे यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे नहीं आ रहा है, लास्ट सेकेंड पोजिशन पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन पे नहीं आ रहा और सेकंड लास्ट पोजीशन पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे भी नहीं आ रहा एंड देन सेकंड लास्ट पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारा जो थर्ड पोजीशन पे भी नहीं आ रहा और लास्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो आर जो रिप्लेस किया गया वो टी हमारा या तो थर्ड पोजीशन पे आना है या लास्ट पोजीशन पे आने वाला है। तो लास्ट के हिसाब से अगर लेटर्स कंटिन्यूट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इट मीन्स टू प्लेस हमारा बढ़ जाएगा। अगर लास्ट सेकेंड डिजिट है तो मतलब लास्ट फोर डिजिट पे होगा। तो हमारी इसकी रिकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो पहले आएगा हमारा आई, देन एन, देन वी, ई, आर, टी, आई, बी, आर, ए, टी, ई, इसका मतलब है टी के जगह पे आई आएगा, जो यहाँ पे आई लास्ट था वो टी चला जाएगा, एंड देन मूविंग ऑन अकॉर्डिंग तो इनवर्टिब्रेट हमारा आंसर होगा। इनवर्टिब्रेट यहाँ पे है, इनवर्टिब्रेटी यहाँ पे नहीं है, एंड देन हिट इज ऑल्सो नॉट द राइट एंड इट इज ऑल्सो नॉट द राइट एंड दैट इज द योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 46 एंड द क्वेश्चन इज, सो मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव 46 क्वेश्चन दैट इज डी आई यू जी एन ए एल, डिग्यूनल को एल ए एन जी यू आई ई डी में हमें डिकोड किया गया है, तो ई के ई एल के सी ए एच एस को रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है एस एच ई आर बी ई टी, एस एच ए सी के एल ई, एस एच आई एन जी एल ई, एस एच ओ के एल ई, इसके हिसाब से रिकॉर्ड किया है। डी जो यहाँ पे है पहला वो आखिरी में चला गया है, इसका मतलब जो यहाँ के आखिरी वाला है वो हमारा पहले आएगा, इसका मतलब है हमारा एस लेटर शुरुआत होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो आई है वो लास्ट सेकेंड चला गया, या कह सकते हो यहाँ की अगर बात करें क्योंकि हमें ये अल्फाबेट मिला है तो एल जो है वो हमारा लास्ट चला जाएगा, इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे सेकेंड वर्ड, अगर इसकी बात करें ए तो सेकेंड लास्ट वर्ड आ जाएगा, तो एल जो है वो सेकेंड लास्ट वर्ड हमारा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, अगर एल की बात करते हैं तो वो इनका लास्ट वर्ड हो गया, तो ठीक है एस जो इनका ई है वो हमारा लास्ट वर्ड हो गया। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एन है वो हमारा कितना यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर जाएगा, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो हम यहाँ पे अपना थर्ड नंबर के ले लेते हैं। देन वी गेटिंग उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर एल है वो लास्ट लेटर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट लेटर, ये जो फर्स्ट लेटर है ये हमारा लास्ट लेटर होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग हमें यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे एच ए के सी के एल ई, तो हमें शैकल मिलने वाला है, तो शैकल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो रेड बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 47 ए एल एम आई आर ए एच अलमीरा, इसमें बी एन पी एम डब्ल्यू जी ओ है, इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डी एन आर डब्ल्यू एल यू ए होगा। अब इसकी रिकॉर्डिंग हमें करनी है, यहाँ पे ए देखो अलमीरा का है, इसमें ए है तो हमने प्लस वन किया हमें बी मिल गया, L है प्लस टू किया हमें N मिल गया, M है तो M है N O एंड देन P प्लस थ्री किया, देन I है तो उसके बाद हमें M मिल गया दैट इज J K L एंड देन M प्लस फोर देन प्लस फाइव देन प्लस सिक्स एंड देन प्लस सेवन, इस तरह से हमारा यहाँ पे हुआ है। इट मीन्स यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव देन माइनस सिक्स 1 2 3 4 -7, तो हमें इस तरह से हमें करना है। चलो D से माइनस करेंगे तो C मिलेगा, N है तो M है O then L then you will getting the K1, okay sorry L1 L मिलेगा। उसके बाद हम R में अगर माइनस थ्री करेंगे हमें O मिलेगा, दिस इज योर L, एंड देन अगर हम यू नो W में माइनस करते हैं फोर टाइम्स तो वी गेटिंग द S
एल में अगर हम 5 माइनस करेंगे वी गेटिंग जी सॉरी, एंड देन यू में हम 96 करेंगे वी गेटिंग ओ, एंड देन ए में अगर माइनस 7 करेंगे देन वी गेटिंग द नंबर दैट इज योर डिस्टेंस 90. सो ओके, इस तरह से हमको ये वर्ड्स मिलने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेकआउट करेंगे हमारा जो कोडिंग है वो किस तरह से आया है. दैट इज़ योर सी एल ओ एस जी ओ टी, तो यहाँ पे सी डी एस ये नहीं होगा, टी ओ जी ये भी नहीं होगा, सी एल ओ एस जी ओ टी ये मिल रहा है, टी ओ जी ये भी नहीं मिल रहा है. इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज एम ए सी एच आई एन ई मशीन, एल बी बी आई एच ओ डी, एंड देन एस एल टी एम एफ एन बी, ये हमें मिला हुआ है क्वेश्चन. इसके हिसाब से हमें थर्ड वाला रैंकिंग को सॉल्व करना है. ऑप्शन जो है वो है टी एम यू एन जी ओ सी, एंड देन आर के एस एल ई एम ए, एंड आर एच एस एन ई डी ए, एंड देन टी के यू एल जी एम सी. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वी आर गेटिंग द ऑप्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी हैव टू आंसर. सो इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट यू कैन सी दैट यहाँ पे एम है, तो एम में अगर हम माइनस करेंगे 1 तो हमें एल मिलेगा, ए में प्लस 1 करेंगे तो हमें बी मिलेगा, सी में माइनस 1 करेंगे तो हमें बी मिलेगा, एच में हम प्लस 1 करेंगे तो एन मिलेगा, आई में अगर हमने माइनस 1 किया एच मिलेगा, एंड देन प्लस 1 एंड देन माइनस 1. माइनस 1 प्लस 1 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे प्लस 1 से शुरू करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड देन प्लस 1 माइनस 1 एंड देन प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो एस में अगर हम माइनस करते हैं पी क्यू आर, आर मतलब पहला लेटर जो मिलेगा मुझे एल आर मिलेगा, एल में हम प्लस 1 करेंगे दैट वी गेटिंग द एम एज वेल, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस है, सॉरी एस है तो पी क्यू आर एस एंड देन टी है, तो प्लस 1 है तो मेरा को टी मिलेगा क्योंकि प्लस 1 करना है. उसके बाद हमको के मिलेगा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. देन हम अगर टी में करेंगे तब हमें यू मिलेगा, एंड देन एम फिर देन एल एंड देन जी देन एम ओ एन सी. तो उसके हिसाब से टी एम हमें चाहिए, टी के यू एल, टी के यू एल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दैट विल बी द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव दैट क्वेश्चन नंबर 49, एन ए आर जी आर यू ई डी नार्गुएट, जी आर ए एन डी यू आर ग्रैन्यूर के डिकोड किया है इन्होंने, एस ई आर पी ई वी आर ई को हमें डिकोड करना है, एंड अकॉर्डिंग ऑफ एस की बात करें यहाँ पे एन है तो देन अकॉर्डिंग टू दैट कोड वी आर गेटिंग दैट हे ओ पी फॉर पी, देन आर ई देन पी आर ई एस ई आर वी ई, इसका मतलब है इन्होंने इसी को डिकोड किया है, दैट वॉट वी गेट. ओके सो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिज्म मिलेगा, दैट विल बी द राइट आंसर. दिस इज नॉट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट. Moving on with next question that we have. As we can move with our next last question, that is question number 50, that is CALCUTTA Calcutta, that is coded as GPGYXXA, and for the FSQFCE you have to code as same for that, and C we are adding with next one, that is A for DE is B C D, and then we getting the E that we are adding the 4-1, and C for D that C then D E F and G and H, this is plus 4, and after talking about your A1 then it is B C D and then E F and then G, that is your 6, sorry that is for E, and then it is B C D and then E, that is your 4 only, and for C that L for plus 4 then plus 4 and then plus 4, for each of the term we have to add it out plus 4, and then we're getting this coding. After that talking about this, so that is your minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 and minus 4 and minus 4, we have to take a different sign with this respect to that, and if I'm telling about minus 4, so that F minus 4, then what we get as answer, that is your for the F1 the we getting the V, and for S1 we are getting O minusing 4 or with all these, and then for Q we are getting the B1 M1, and for F that is always a B for the same one, and for C that is what we get Y, and then for E that we get A, so that is BOM BYA, and BOM BAY that is not the answer, BOM BYA that is the answer, and that is not, and that is not.
So all that we had discussed in this session, that in 72 lecture, here we had discussed the 10 questions till the 50th. So please go through with all the questions which we had provided till the date. Thank you. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.